रहीम बसमिल्स असल आज हमारा लेक्चर बेसिक फैक्ट्स ऑफ ग्रामर का है और उसमें बहुत से स्टूडेंट्स मुस्तकिल ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर एडजेक्टिव्स की टाइप्स कितनी होती हैं कितनी काइम्स के एडजेक्टिव्स होते हैं तो आज हम उसी का जवाब लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं आपके चैनल पर इंग्लिश विद सर नवैद नकवी के चैनल पर और देखेंगे कि हाउ मेनी काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर देयर एंड वॉट दे आर एंड हाउ दे कैन बी यूज तो मैंने पहले से कुछ लिख लिया है ताकि काम आसान हो जाए टाइम बच जाए क्योंकि तो लंबा काम है और जगह बहुत चाहिए थी बोर्ड पर तो देर आर नाइन काइंड ऑफ एडजेक्टिव <clears throat> नाम बुरा बता रहा हूँ नंबर वन डिस्क्रिप्टिव एड्जेक्टिवस जिसे क्वालिटी एडजेक्टिव भी कहते हैं क्वालिफायर्स भी कहते हैं डेमानस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, सॉरी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जिसे क्वांटिफायर भी कहते हैं और क्वांटिटी एडजेक्टिव भी कहते हैं देन न्यूमरल एडजेक्टिव न्यूमरल न्यूमेरिक से बना है न्यूमरल का मतलब है नंबर तो ये नंबर ऑफ नाउन बताते हैं न्यूमरल एबजेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके बारे में डिटेल भी है बताऊंगा मैं अभी फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव एबजेक्टिव अच्छा ये डिमॉन्सट्रेटिव एबजेक्टिव जो है ये मैंने आर्टिकल्स पढ़ाते हुए भी जिक्र किया था इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव एबजेक्टिव में से यहाँ से वो लिए गए हैं जो पॉइंट्स टू अ नाउन जो इशारा करें किसी नाउन की तरफ बताऊंगा इसके बारे में डिटेल डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में होते हैं ठीक है ना इंटरगेटिव एडजेक्टिव क्वेश्चन में जो यूज होते हैं नाउन के बारे में बता रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं पजेसिव एड्जेक्टिव प्रोनाउन के लेक्चर में बताया था मैंने पजेसिव एज्जेक्टिव पजेशन शो करते हैं एक्चुअली दे आर द थर्ड केस ऑफ प्रोनाउन विच आर ऑल्सो कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स देन प्रॉपर एज्जेक्टिव दे आर फॉर्म्ड फ्राम अ प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन से बनते हैं प्रॉपर नाउन के जो एज्जेक्टिवस बनते हैं वो प्रॉपर एज्जेक्टिवस कहलाते हैं इम्फेटिक एजेक्टिव जो इम्फेसाइज करते हैं किसी एजेक्टिव पर तो ये मॉडिफायर भी कराते हैं क्योंकि ये मॉडिफाई करते हैं किसी एजेक्टिव को ये तो जनाब हमने इनके नाम देख लिए और इनकी खसूसियात देख ली अब इनकी एग्जाम्पल्स जब तक सामने नहीं आएंगी हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ थोड़ी थोड़ी एग्ज़ैम्पल्स दूंगा लेकिन आई थिंक दैट विल बी इनफ क्योंकि जगह भी कम है हमारे पास और टाइम भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स या क्वालिटी एडजेक्टिवस या क्वालिफायर क्या काम करते हैं क्वालिटी को शो करते हैं जैसे मैं अगर यूं कहूं कि यू हैव अ ब्यूटिफुल हाउस तो यहां पर नाउन है हाउस और इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि ये हाउस की क्वालिटी बता रहा है दो किस्म के होते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एक तो ये हो गया दूसरा देखिए इसी जुमले को मैं यूं भी लिख सकता हूं योर हाउस इज ब्यूटिफुल फर्क क्या है योर हाउस इज़ beautiful. फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये क्वालिटी एडजेक्टिव आ तो गया इस नाउन के लिए लेकिन ये वर्ब के बाद आया इसके बाद कोई नाउन मौजूद नहीं है आया ये भी वर्ब के बाद है लेकिन इसके बाद ये नाउन मौजूद है इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है तो गौर कीजिएगा बेटा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स दो तरह की होती है एक कहलाती है एट्रीब्यूटिव और एक कहलाती है प्रिडिकेटिव नाउन से पहले जो भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आएगा वो एट्रीब्यूटिव होगा नोट कर लीजिएगा एट्रीब्यूटिव ये नाउन के बगैर नहीं आएगा नाउन से पहले आएगा और अगर इस तरह से आ जाए कि योर हाउस ये तो सब्जेक्ट हो गया पूरा इज वर्ब हो गया अब जो रह गया है ना तो ये कॉम्प्लीमेंट्री या प्रिडिकेटिव एब्जेक्टिव कहलाएगा प्रिडिकेटिव फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव एब्जेक्टिव क्योंकि ये प्रेडिकेट का हिस्सा बन गया है जबकि ये एट्रीब्यूटिव है क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है ये अकेला नहीं आ सकता यू हैव अ ब्यूटिफुल वॉट वॉट नहीं है यहाँ पर तो कंप्लीट नहीं होगा सेंटेंस लेकिन यहाँ पर योर हाउस इज ब्यूटिफुल ये ब्यूटिफुल अकेला इस्तेमाल हो सकता है तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दो तरह के हो गए एक एट्रीब्यूटिव और एक प्रिडिकेटिव मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई हो ही इज अ गुड बॉय ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय अब मैं यूं कहूं दैट बॉय इज इंटेलिजेंट तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय तो इंटेलिजेंट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ क्योंकि वो क्वालिफाई कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है नाउन को क्वालिटी बता रहा है उसकी और वो नाउन उसके फौरन बाद मौजूद है तो एड्रीब्यूटि फॉर्म है और अगर मैं यूं कहूं दैट बॉय इज़ इंटेलिजेंट तो अब ये प्रिडिकेटिव फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ठीक है फ़र्क नहीं है थोड़ा सा इस्तेमाल का फ़र्क है दोनों क्वालिफायर्स ठीक है भाई अब आइए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स पर ये एग्जांपल्स मिटा रहा हूं ठीक है क्योंकि हमारे पास जगह इतनी नहीं है तो यकीनन मुझे मिटा मिटा के काम करना पड़ेगा अब देखिएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जैसा कि नाम से जाहिर है ये क्वांटिटी एडजेक्टिव है या क्वांटिफायर है क्वांटिफायर्स का यूज क्या है क्वांटिफायर्स कौन कौन से हो सकते हैं देखो ना डिस्क्रिप्टिव तो बहुत सारे हो सकते हैं अगली ब्यूटिफुल इंटेलिजेंट लार्ज स्मॉल बिग है ना वॉट एवर क्वान्टिटेटिव तो एग्जाम्पल्स देखिएगा जैसे मैं कहूँ ऑल या सम या मच या मैं कहूं कि होल ऑल हो या होल हो है ना या इनाफ या सफिशंट ये सारे क्वान्टिटेटिव एब्जेक्टिव हैं वगैरह वगैरह जैसे मैं कहूं ऑल बॉयज आर वियरिंग वाइट शर्ट्स यहाँ ऑल क्वान्टिटी को शो कर रहा देर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास रूम तो यहाँ सम क्वान्टिटी को शो कर रहा अच्छा ये मैं बता दू क्वालिटेटिव हो या क्वान्टिटेटिव हो आएंगे डेमोस्ट्रेटिव में ही लेकिन यहां मैंने अलग अलग कर दिए हैं तो क्वान्टिफायर्स देर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास रूम दिस इज मच डिफिकल्ट जॉब मच क्या हो गया क्वांटिफायर डिफिकल्टी का लेवल बता रहा है क्वांटिटी बता रहा है एक्सटेंट बता रहा है यू हैव मच मनी इन योर पॉकेट क्वांटिटी ऑफ मनी बता रहा होल इसी तरह इनफ है ना आई हैव इनफ मनी तो इनफ क्वांटिटी बता रहा है मानी की सफिशिएंट यू डोंट हैव सफिशिएंट फ्लार फॉर दिस मंथ फ्लार कहते हैं ना आटे को जैसे हमारे यहाँ फ्लोर कहते हैं वो फ्लार है तो सफिशिएंट है ना ये क्वांटिटी को शो कर रहा है अच्छा जी क्वांटिटेटिव भी हो गए अब बड़ी अहम चीज आ रही है न्यूमरल एडजेक्टिव इसका सही प्रोनाउंसिएशन यही है न्यूमरल न्यूमेरल मत पढ़िएगा। न्यूमरल एडजेक्टिव्स एक्चुअली नंबर ऑफ नाउन बताते हैं तादाद नंबर हिंदसों में है ना नंबर्स में, न्यूमेरिक फॉर्म में लेकिन ये होते हैं तीन किस्म के ठीक आ, जैसे यूं भी नंबर बताया जा सकता है वन और टू और थ्री एक्सेट्रा है ना जैसे मैं कहूँ कि आई हैव टू डॉटर्स मेरी दो बेटियां हैं टू नंबर बताया है ना मैंने कहा ही हैज़ थ्री हाउसेस इन दिस लेन उसके इस गली में तीन घर हैं तो हाउसेज इन दिस लेन थ्री क्या है न्यूमरल है इसी तरह से यू भी तो हो सकता है कि न्यूमरल को यू मैंशन किया जाए जैसे फर्स्ट अब वन नहीं कह रहा फर्स्ट कह रहा हूं टू नहीं कह रहा सेकेंड कह रहा हूं मैं थ्री नहीं कह रहा थर्ड कह रहा हूं एट्सेट्रा तो अब यह भी न्यूमरल हुआ है ना पहला दूसरा तीसरा और तीसरी शक्ल ये है कि अगर मैं कहूँ सिंगल यानी अकेला डबल यानी दोहरा दो गुना ट्रिपल है ना तो तीन गुना वगैरह वगैरह तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जी हाँ तीनों के नाम अलग अलग हो जाएंगे पर। देखिए अगर इस शक्ल में है तो कहलाएगा कार्डिनल क्या कहलाएगा कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव ये वो बातें बता रहा हूं जो शायद अभी तक आज तक किसी ने आपको नहीं बताई यकीन के साथ कह रहा हूं कि अभी तक आपने जितनी इंग्लिश पढ़ी हो सी के स्टूडेंट्स वालों के लिए कह रहा हूं जितनी इंग्लिश पढ़ी होगी एडजेक्टिव्स की ये काइंड इस तरह से डिस्क्राइब होते हुए नहीं देखी होंगी यकीनी तौर पर कमेंट करके बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा कार्डिनल कहलाते हैं ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं कार्डिनल और अगर इस तरह से हों फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा तो ये कहलाते हैं ऑर्डिनल ऑर्डर बता रहे हैं ना Ordinal कहलाते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो ये order बता रहे हैं। ordinal कहलाते हैं। कहलाते से याद रखिएगा कहलाते कहलाते हैं। हैं लेकिन तीसरे जो है, single, double, triple, तो ये मल्टीप्लीकेटिव क्योंकि ये मल्टीपल हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो सिंगल सिंगल डबल ट्रिपल ना तो ये मल्टीप्लीकेटिव कहलाते हैं तो तीन किस्म के न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेटिव एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दी जुमलों में इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है ठीक है ना अच्छा जी ये तो हो गए न्यूमरल अब आइए डेमानस्ट्रेटिव की तरफ ये मिटा रहा हूँ साथ, साथ मिटाता भी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काम ज्यादा करना है बोर्ड छोटा है और मैं ज्यादा बड़ा बोर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि बहुत बड़ा बोर्ड होगा तो पूरे बोर्ड को फोकस करना होगा तो जाहिर है कि आपको फिर ड राइटिंग बहुत छोटी नजर आएगी फ़ॉन्ट छोटा नजर आएगा और देखने में मुश्किल होगी इसमें हर चीज बड़ी आपको नजर आ रही होती है अच्छा जी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो हैं जो पॉइंट्स एट करें इशारा करें पॉइंट्स टू अ नाउन जो इशारा करें नाउन की तरफ जैसे दिस दोस्त या सच आप सुने जरा दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट दिस ने क्या किया पर्टिकुलराइज कर दिया ना बॉय को दैट गर्ल इज दैट इशारा कर रहा है. गर्ल की तरफ यानी वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है विच गर्ल ठीक है ना दीज रोजेज आर नॉट फ्रेश दो माउंटेन्स आर वेरी दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू ठीक है ना ये जनाब यू कैन नॉट फाइंड सच अ बुक ठीक है तो ये Demonstrative adjectives हैं जो पॉइंट कर रहे होते हैं टू द नाउ कोई कन्फ्यूजन मेरे ख्याल में नहीं होगी अगर हो तो फिर आप कमेंट्स में कीजिएगा मैं इन उसको भी क्लियर कर दूंगा ठीक है भाई अब आइए अच्छा यही हाँ demonstrative adjectives में ये दिस दैट आ गए दीज दोज और determiners इसी का हिस्सा है ऐड कर लीजिएगा दैट वगैरह वगैरह के अलावा डेटरमाइनर्स भी इसका हिस्सा है डेटरमाइनर्स में क्या आते हैं आर्टिकल्स और ये मैं डिटेल बता चुका हूँ आर्टिकल्स का जहाँ डिफ़ाइन किया था ए वन में ए टी वन मैं आर्टिकल्स डिफ़ाइन किए थे और बताया था डेमोस्ट्रेटिव एबजेक्टिव क्या होते हैं और उसमें डिटरमाइनर्स क्या होते हैं क्वान्टिफायर क्या होते हैं क्वालिफ़ायर क्या होते हैं तो ये मेरा ख्याल है डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं आर्टिकल्स में दो आर्टिकल्स होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल ए और दी तो आर्टिकल होते ना ए और दी ठीक है और मैंने बताया था एन कोई आर्टिकल नहीं है ये सारी डिटेल मौजूद है आर्टिकल्स की प्ले में जाइएगा सारे लेक्चर मिल जाएंगे और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी ये जनाब कहलाते हैं डेमोस्ट्रेटिव एब्जेक्टिव अब आइए आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एब्जेक्टिव क्या हैं तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट को शो कर रहे होते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट से क्या मुराद है तो इंडिविजुअल एलिमेंट मैं इस तरह से डिफाइन करूँ हां देखिएगा ईच एवरी ईदर नीदर ये ईदर और नीदर है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है आईदर एंड नाइदर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है ईदर एंड नीदर ठीक है ना जैसे मैं कहूं ईच बॉय हैज टू पे द फी टू ईच बॉय तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है जिसमें एवरी एवरी पर्सन वुल बाय अ टिकट फॉर एंट्रेंस एवरी पर्सन ठीक है ना इसी तरह से ईदर ईदर बुक इज माइंड यानी इनमें से कोई एक किताब मेरी है तो ईदर नीदर बुक इज़ माइन इनमें से कोई एक किताब भी मेरी नहीं है तो इंडिविजुअल एलिमेंट को आप शो कर रहे होते हैं बहुत सारों में से एक्चुअली ऑफ़ भी लगता है बाद ईच ऑफ द बॉयज़ एवरी वन ऑफ द है ना या मैं कहता हूँ ईदर ऑफ द गर्ल्स है ना तो ऑफ़ के साथ भी इस्तेमाल होता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव uh, एडजेक्टिव के तौर पर ये बग़ैर ऑफ के ज़्यादा इस्तेमाल हो तो अच्छा लगता है ईदर बॉय ईदर गर्ल नीदर बॉय नीदर गर्ल ठीक है अच्छा जी ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव इसके बाद हम आते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ तो ये यकीन क्वेश्चन का पार्ट होंगे जैसे कि नाम से जाहिर है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो हैं ये क्वेश्चन का हिस्सा होते हैं जैसे वॉट विच और ये नाउन के साथ ही इस्तेमाल होते हैं हुज क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं मैं कह रहा वॉट कलर डी यू लाइक वॉट कलर तो ये वॉट जो है कलर को डिफाइन कर रहा है ठीक है ना कलर के बारे में सवाल कर रहा है वॉट which pencil do you want which book is yours whose pen is this ठीक है ना तो ये सब के सब क्या हैं ये सब के सब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं माई दिस इज माई बुक आर पाकिस्तान इज आर कंट्री आर होमलैंड your what is your name his her their ये सब के सब हैं प्रोनाउन मगर प्रोनाउन का थर्ड केस मैंने बताया था प्रोनाउन के लेक्चर में बीजी बिगिनर्स का जो सीरीज है बी जी की आप जो बी और जी बीजी जो है उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा प्रोनाउन के नाम से इसमें मैंने ये डिफाइन किए थे पजेजिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं बगैर नाउन के इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है अच्छा जी ये हो गए अब आगे चलते हैं ठीक प्रॉपर एडजेक्टिव्स ये बड़े मजेदार हैं प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों कहते हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन से कैसे बनते हैं तो जैसे मैं नेम ऑफ प्लेस की बात करूं तो हम कहेंगे द जैपनीज आर वेरी पोलाइट बाय नेचर अब यहां पर द जैपनीज तो प्रॉपर नाउन है जैपान मुल्क का नाम है प्रॉपर नाउन है अब इससे मैंने एब्जेक्टिव बनाया है जैपनीज तो चूंकि प्रॉपर नाउन से बना है तो प्रॉपर एब्जेक्टिव क्या लाएगा और प्रॉपर एब्जेक्टिव होगा तो कैपिटल तो लेटर से आएगा प्रॉपर नाउन की तरह स्मॉल से नहीं होगा कैपिटल से होगा जैसे दिस इज एन इंडियन कंपनी तो यहां इंडियन इंडिया India से बना है इंडिया इज अ प्रॉपर नाउ तो इंडियन कंपनी तो ये एडजेक्टिव बन गया इंडियन ठीक है इसी तरह से न्यूटन एक प्रॉपर नाउन है अब अगर मैं कहूं न्यूटोनियन फिजिक्स तो यहां पर न्यूटोनियन मैंने न्यूटन से बनाया है अगर मैं कहूं कि शेक्सपीरियन एरा अगर मैं कहूं एलिजबेथन पीरियड तो ये एलिजबेथ प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है न्यूटन प्रॉपर नाउन है लेकिन मैं इनसे एडजेक्टिव बना रहा हूं दीज आर कॉल्ड द प्रॉपर एड्जेक्टिव आखिरी रह गया है इम्फेटिक जैसा कि नाम से जाहिर है इम्फेसाइज करने के लिए इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है मॉडिफायर कहलाते हैं और इसमें वेरी प्री जॉली ये बहुत सारे बताए भी थे मैंने पहले अटर uh, यानी कंप्लीटली टोटल एप्सुलूट यू आर एप्सोलूटली राइट दिस इज एन एप्सोलूट फैक्ट एप्सोलूट फैक्ट तो यहां एप्सोलूट क्या आ गया एडजेक्टिव एम्फेटिक एडजेक्टिव ओन दिस इज माई ओन कार तो यहां ओन जो है ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है प्योर डि वॉन्ट प्योर मिल्क तो प्योर अब ये किसी ना किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे होते हैं जैसे मैं कहूँ द पेन इज़ प्रिटी बैड तो यहाँ प्रिटी का मतलब खूबसूरत नहीं है दिस इज़ अ वेरी गुड जॉब द पुलिस आर मेकिंग अ जॉली बिग एफर्ट जॉली बिग एफर्ट तो जॉली ने बिग को मॉडिफाई किया है है ना तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे मॉडिफायर्स कहलाएंगे ये जनाब आपके सामने एडजेक्टिव्स की काइंड्स आ गई हैं और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी ने आपको इतनी डिटेल में एडजेक्टिव्स की काइंड्स बताई होंगी विद ताला इन में आ गया होगा उम्मीद है और वेरी नेक्स्ट लेक्चर इज़ अबाउट पॉजिटिव वर्ब एंड देन मोडल वर्ब ठीक है और फिर हम आ रहे हैं बहुत जल्द ऐसे राइटिंग की तरफ और फिर आएंगे हम प्रेसी राइटिंग की तरफ ठीक है सी वाले इंतज़ार कर रहे हैं मुझे यकीन है और आपका इंतज़ार बहुत थोड़ा रह गया है देखिए जब ये चीज़ें कंप्लीट होंगी तो वो लिखने में मज़ा आएगा ठीक है ना तो मैं उसी की तमहीद बांध रहा हूँ इस तरह से यानी अभी ये समझ लें कि प्री फेशल पीरियड चल रहा है इन बहुत जल्द वेरी वेरी सोन वी विल कम विद विद्यू राइटिंग एंड प्रेसी राइटिंग डोंट वरी अबाउट दैट मुझे इसका ख्याल है तो थैंक यू वेरी मच दुआओं में याद रखें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ईद मुबारक नहीं कहा था ख़ैर ईद मुबारक मेरी तरफ से आप सबको गुजरी हुई ईद मुबारक मैं चूँकि अलील था तो इसलिए ईद पर या रमज़ान पर कोई लेक्चर नहीं दे पाया और वैसे भी ये ईद जो थी बड़ा सादा सी ईद थी क्या ईद थी बस रमज़ान के रोज़ों की खुशी थी वरना आ, हकीकत में अगर आप देखें तो आ, एक तो करोना ने हमारे मुल्क को अपने हमारे मुल्क को क्या पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है एक तो ये मुसीबत है ऐसी जो फैल गई है और दूसरी पाकिस्तान में जो कराची में ख़ासतौर से जो हवाई जहाज़ का हादसा हुआ अल्लाह ताला उसमें शहीद होने वालों की मफ़रत फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमीलता फ़रमाए तो ये कुछ वाक़ात इस तरह के हैं कि अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ईद की गर्म जोशी के साथ आपसे मुबारकबाद लूँ या दूँ बहरहाल फिर भी क्योंकि दी त्योहार है तो हमें आ, खुशी रोज़ों की खुशी के तौर पर ईद मनानी चाहिए तो हमने मनाई अल्लाह ताला करे कि आने वाले वक्तों में हमें बहुत अच्छी अच्छी ईद नसीब हों और हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा वक्त देखे और इस बुरे वक्त से जल्द निकल जाए क्योंकि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अच्छा गुमान रखना चाहिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है बुरा वक्त आने का मतलब ये होता है कि बहुत जल्द बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा वक्त आने वाला है अब ये देखिए आ, ऐसा होता है कि कुछ लोग रास्ता चलते 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 थक जाते हैं तो समझते हैं कि शायद हम गलत रास्ते पर आ गए क्यों ना पलट जाएं क्यों ना रास्ता बदल लें यकीन मानिए जहाँ से हम ये सोचते हैं ना कि पलट जाएं या रास्ता बदल लें चंद कदम आगे ही मंजिल होती है हम मंजिल तक पहुँचते पहुँचते रह जाते हैं ऐसे में नहीं हिम्मत नहीं हारनी है थोड़ा वक्त रह गया है इसको भी गुजार लें इन बहुत अच्छा वक्त आएगा और इस हालत में भी जो अभी देखें अच्छा वक्त आ जाएगा फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ये सोच किसी हद तक सही है लेकिन मेरी सोच ये है इस बुरे वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करें ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना अदा करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो अच्छे वक्त को हमसे और करीब कर दें बुरे वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करना ज़्यादा बड़ी हिम्मत की बात है और अल्लाह को बहुत पसंद है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, था करें हम दुनिया के बहुत से मुल्कों से बहुत अच्छे हैं इस वक्त भी इन हालात में भी अल्लाह का बड़ा एहसान है शाद रहें आबाद रहें